मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान अफगानिस्तान से जान से मारने की धमकी ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप पर भेजकर व्हाट्सएप कॉल कर अश्लील भाषा में बोलते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस ऑडियो क्लिप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस प्रमुख को भी धमकी दी जा रही है। इसके बाद नवनीत राणा ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। विधायक रवि राणा का आरोप है कि यह जो धमकियां यह एमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी और सांसद इम्तियाज जलील के माध्यम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धमकी आ रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। संसद का जो सत्र हुआ है, उस सत्र के अंदर जिस तरह से ओवैसी ने नवनीत राणा के प्रखर हिंदुत्व के विचारों का विरोध किया, श्री राम भगवंता का विरोध किया, बाबरी मस्जिद के बारे में जो उन्होंने अपनी बात रखी और जिस द्वेष के साथ हिंदुत्व के विचारों का विरोध किया, वो सारे देश ने देखा है। उसके बाद संभाजी नगर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे ओवैसी की एमपी है जलील इम्तियाज जलील, उन्होंने नवनीत राणा के खिलाफ संभाजी नगर में कई सभाएं ली, उनके बारे में उनको धमकियां दी, अलग अलग जगहों पे उन्होंने सभाएं ली, वहाँ पे धमकियां दी और इशारा दिया। उसके बाद ओवैसी के कई कार्यकर्ताओं की धमकी आई, फ़ोन आए, मारने की धमकी आई, पर हमने उसमें ध्यान नहीं दिया। पर आज अगर ओवैसी की धमकियों को अगर पाकिस्तान से भी फ़ोन आते हैं, हमारे अफगानिस्तान से फ़ोन आते हैं और उसको नवनीत राणा को उड़ाने की धमकी बात करते हैं, नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी देते हैं, बॉम्ब स्फोट करने की धमकी देते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की दुर्दशा कर देंगे ये कहते हैं, तो मुझे लगता है ओवैसी की पूरी जांच होना चाहिए, इम्तियाज अली की भी जाँच होना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के माध्यम से कुछ फोन कॉल जो किए उसकी जाँच होना चाहिए, अफगानिस्तान से जो फोन आए उसकी जाँच होना चाहिए। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से अगर ओवैसी की लिंक है वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि आज अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुत्व की बात करती है, श्री राम भगवान का नाम लेते हैं और ओवैसी पार्टी अगर उसका विरोध करती है, ओवैसी अगर पार्लियामेंट में विरोध करते हैं, इम्तियाज अली विरोध करता है, उनके कार्यकर्ते नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी देते हैं और पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से फोन आते हैं, उसकी केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसी जांच करेंगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करेंगी, हमारी मांग।